दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में नॉमिनेशन का सिलसिला चल रहा है, जहां पर सभी कंटेस्टेंट काफी मजे करते हैं, पर यहां एल्विश कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे सभी बिग बॉस घर वालों में हंसी छूट जाती है। चलिए जानते हैं। आपको बताते हैं कि बिग बॉस ओटीटी 2 में नॉमिनेट होने वाले नाम है एल्विश यादव, अभिषेक, अविनाश और जिया। तो यहीं पर सबको बारी बारी नॉमिनेट के लॉकेट मिलते हैं और सभी बारी बारी शेयर के मुंह में बैठकर नॉमिनेट एक्सेप्ट करते हैं, जहां उनके ऊपर लाल पानी छोड़ा जाता है। तो यही एक दिन पहले एल्विश फलक से लड़ाई करते हैं, तो हाल ही में देखा जाता है कि एल्विश यादव भी नॉमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि घर में उनकी दुश्मनी भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो यही शो में फलकनाथ और एल्विश का फिर एक बार आमना सामना हुआ, जहाँ फलक के पास एल्विश का लॉकेट था। तो फलक ने एल्विश के लिए कहा कि ये फेक है, जो कुछ भी सही नहीं करते हैं, जो अच्छी चीजें करने जाते हैं पर गलत हो जाते हैं। और फिर आगे फलक ने कहा कल रात की लड़ाई को देखते हुए कि एल्विश बहुत गंदे इंसान है, जो लड़ाई में अपनी हद पार कर देते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग एल्विश को शेर में बनी जगह पर बैठना होता है, पर एल्विश है मस्त बंदा जो शेर के मुंह के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर बैठते हैं जहां वो दिखाई भी नहीं देते। तो बिग बॉस कहते हैं कि एल्विश थोड़ा बाहर आई है, तो एल्विश बाहर आते हैं और नॉमिनेट हो जाते हैं। अब यही शेर के मुंह से लाल पानी की पिचकारी निकलती है, जो एल्विश की पैंट पर गिर जाती है। तो एल्विश मजे में बोलते हैं बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सुसु कर रहा हूँ। जहाँ सब चीजों को एल्विश बड़े फनी अंदाज में ले रहे हैं, वैसे आप एल्विश को अपनी पावर दिखाकर उन्हें वोट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस बात में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।